आज महाराज परीक्षित जब श्रापित हो जाते हैं, अपने आप को दुखी ठहराने लगे, दोषी ठहराने लगे, क्योंकि मैंने एक महात्मा का अपमान किया है। और महात्मा का अपमान एक बहुत बड़ा अपमान होता है, क्योंकि महात्मा पता नहीं रहता। एक महान आत्मा वाला भी महात्मा होता है। एक आत्मा वो होती है जो बहुत दुखी होती है, उसको भी हम महात्मा कहा करते हैं। लेकिन महात्माओं का हृदय बड़ा ही कोमल, संतों के लिए, भक्तों के लिए महात्माओं का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है महाराज, नवनीत समाना। संतों का हृदय एक मक्खन जैसा होता है, लेकिन कहा कबिन पर कहा न जाना। संतों के हृदय की तुलना तो की, लेकिन पूर्णतया नहीं कर पाई है। मक्खन से भी और ज्यादा कोमल। लेकिन कब? अगर महात्मा होंगे। क्षमा चाहेंगे हम अपने साधु संतों से, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर आत्मा एक जैसी नहीं होती है। जिस दिन इस दुनिया से ऋषि, सप्तऋषि, महात्मा चले जाएंगे, उस दिन तो ये पृथ्वी ही नहीं रहेगी। लेकिन हर चीज की क्वालिटी होती है। तुलसीदास जी ने कहा एक महात्मा वो भी होते हैं, कौन से? अरे नारी मुई घर संपत्ति नासी, संपत नासी। या तो स्त्री खत्म हो जाए या घर की दौलत खत्म हो जाए। हम नहीं कहते, क्षमा करना, बहुत पहले, आज के कम 550 साल पहले की बात है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि आगे आने वाला समय ऐसा होगा, नार मुई घर संपत नासी और मूड मुड़ाए भये सन्यासी। लेकिन क्षमा चाहेंगे, सभी महात्मा एक जैसे नहीं है। जिस दिन इस दुनिया से महात्मा चले जाएंगे, धर्म का अनुष्ठान बंद हो जाएगा। ये पृथ्वी एक क्षण के लिए नहीं रुक सकती है। और अभी भी पुराणों का, शास्त्रों का ये कहना है कि यदि ये पृथ्वी रुकी है तो सप्तऋषियों के द्वारा ही। तो मैंने पहले बताया कि हर चीज की क्वालिटी होती है,
हर चीज में वैरायटी है इस कलयुग में, पहले नहीं थी। अब मार्केट में जाओ, उससे कहना भैया हमें मक्का का बीज चाहिए, तो वो पहले कहता है भैया ये बताओ देसी चाहिए या वैरायटी चाहिए। गेहूं लेने जा बोने के लिए, बोल भैया मुझे बीज चाहिए, दुकान वाला पहले पूछेगा भैया वैरायटी चाहिए या देसी चाहिए। हर चीज में क्वालिटी हो गई, एक देसी एक वैरायटी, तो एक इंसान भी देसी और वैरायटी हो गया। आपने तो सुना होगा, अब तो ब्रजेश भाई साहब मर गए, उनकी कुछ बातें एकदम नंबर एक की हैं। कुछ पहले उन्होंने कहा था, हम भी भूल गए। हाँ, अरे भैया काय डकैती डाले, बहुत अच्छी कही और हम कभी नहीं भूल पाते हैं, वो कौन सी है, भागवत भाई बैराटी शास्त्री भाई बैराटी। सबसे पहले उंगली उन्होंने अपने ही ऊपर उठाई, ताकि अगर हम किसी के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो लोग हमसे प्रश्न कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले अपने ही ऊपर उंगली उठा के बोले, भागवत भाई बैराटी शास्त्री भाई बैराटी। लेकिन ध्यान रखना एक बात और, उससे भी ज्यादा अनमोल कह दी, कथा भागवत भाई बैराटी शास्त्री भाई बैराटी, लेकिन उनसे पहले, बाद में नहीं, शब्दों पर गौर करना, उनसे पहले, कथा भागवत भाई बैराटी शास्त्री भाई बैराटी। सुनते हैं मुक्ति भी होती है मृत्यु, लेकिन वो भी वैरायटी होने लगी उसमें भी। मैंने कहा था ना, हर चीज में हर चीज की क्वालिटी हो गई, मरने की भी क्वालिटी हो गई। आप सोचेंगे कैसे, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि इंसान 70, 75, 80 और 85, 100 तक 120 तक पहुंच जाता था तब उसकी मृत्यु होती थी, लेकिन अब पता ही नहीं है। बाप के आगे पुत्र जा रहा है, बाबा बैठे हैं, नाती जा रहे हैं, बाद में खबर आती है नाती बाबा को कि तुम्हारे नाती चले गए, जो रोने के काबिल भी नहीं है उनको रोना पड़ता है। इसी को तो वैरायटी मुक्ति कहते हैं। भारत में बैराटी राम कैसी बिगड़ी, आई गई भारत में बैराटी राम कैसी बिगड़ी।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।